हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि 10th एंड 12th HSC एंड SSC का बोर्ड एग्ज़ाम 2022 कब हो सकता है। मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। देखो, अभी तक महाराष्ट्र बोर्ड ने जो फॉर्म नंबर 17 वाले हैं, यानी कि जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, उनका फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है कि कब उनका फॉर्म भराएगा 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आप देख सकते हो डेट 16 सितंबर से 12 अक्टूबर तक, आप देख सकते हो। तो ये हो गया प्राइवेट कैंडिडेट के लिए। अब बात की जाए रेगुलर वालों का क्या होगा, रेगुलर वालों का फॉर्म फिलिंग कब आएगा। देखो, फॉर्म फिलिंग जनरली 3 या फिर 4 महीने पहले आता है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम से 4 महीने पहले लगभग आप पकड़ के चलो कि फॉर्म फिलिंग का डेट आता है, फॉर्म फिलिंग का टाइम आता है। देखो, अभी चल रहा है सितंबर का महीना। अगर आज से सितंबर को छोड़ के 4 महीने आगे देखें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो देखो जनवरी में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पिछले साल से ही एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, एजुकेशनल ईयर है, वो पूरा बिगड़ चुका है कोविड के कारण। जैसा कि हमने देखा था पिछले साल, यानी कि 2020-21 का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में शेड्यूल किया गया था। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, पिछले साल का एक जो 12th का एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल से 21 मई तक रखा गया था, और जो 10th है वो 29 अप्रैल से 21 मई तक शेड्यूल किया गया था, लेकिन आगे जाके कैंसिल हो गया। तो देखो, एग्ज़ाम अपने रेगुलर टाइम पर तो होगा नहीं, ये तो फिक्स है। जैसा कि 2 साल पहले होता था, 12th का एग्ज़ाम फरवरी में हुआ करता था और जो 10th है उसका अप्रैल में हुआ करता था। तो कोविड के कारण लास्ट ईयर की तरह इस बार भी आपका एग्ज़ाम अप्रैल या फिर मई मंथ में ही हो सकता है। उससे पहले बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले नहीं होगा। एजुकेशनल ईयर ऐसा हो चुका है कोविड के कारण, ऐसा माहौल बन चुका है कि जो एग्ज़ाम है अप्रैल के पहले पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की अपनी 11th या फिर 12th की, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि टाइम तो है। लेकिन अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो टाइम ख़त्म हो जाएगा और बाद में जाके आप पछताओगे। जैसा लास्ट ईयर में हुआ था कि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो गए थे कि यार एग्ज़ाम आ गए, हमने पढ़ा नहीं, आगे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लेकिन उससे पहले तो लोग पैनिक हो गए थे ना। ऐसा इसलिए आपके साथ ना हो, आप रोज़ पढ़ें। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट हो या फिर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल हो, बोर्ड का हो, JEE, नीट, किसका भी सवाल हो, पूछ सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लियो। यहाँ पर आप 24/7 कभी भी अपना सवाल पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो 3 इजी स्टेप में। आपको प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फ्लियो, सिंपली सर्च करो फ्लियो एंड इसे इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर से साइन अप करना है, देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, जो भी आपका सवाल है उसका फ़ोटो क्लिक करो, यहाँ पर अपलोड करो, आपका उसका आंसर 60 सेकंड में मिल जाएगा आपको उसका आंसर। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो सकता है, आपका सवाल जो भी हो वो क्लियर हो सकता है। इसलिए इसे डाउनलोड कर लीजिए अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड करने के लिए, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। गाइस, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसमें मैंने कुछ टिप्स बताए हैं जिसे आपको फॉलो करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है, स्मार्ट फार्मेसी। यहाँ पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो सवाल आता है हम क्यों सब्सक्राइब करें, हम तो अभी 12th में हैं, 10th में हैं। देखो 12th वालों, अगर आप नेक्स्ट ईयर जाके फार्मेसी करने वाले हो, MST CET के थ्रू बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी करने वाले हो, तो आप हमारे चैनल को, इस चैनल को स्मार्ट फार्मेसी बाय ब्रिजेश, इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। फार्मेसी का लेक्चर वगैरह हो गया या फिर फार्मेसी का जो भी नोट्स हो गया, PDF बुक्स का, वो मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप फार्मेसी करने वाले हो, बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट के लिए, या फिर अगर आपको कुछ मुझसे सवाल करना होगा तो आप यहाँ पर मुझे पूछ लेना, और यकीन मानिए मुझे आपसे बात करना अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।